यदि आप कुछ चटपटा चटाकेदार खाना चाहते हैं तो आज हमारे किचन में बन रहा है राज कचौरी। और राज कचौरी की सबसे खास बात है उसकी फिलिंग। इसकी फिलिंग में वो सब चीज़ डाली जाती है जो हम सब लोगों को लगभग बहुत ही पसंद है, जैसे इसके अंदर भल्ले डाले जाते हैं, खट्टी मीठी चटनी डाली जाती है, अंकुरित किए हुए चने मूंग डाले जाते हैं, प्याज डाले जाते हैं, बहुत सारे लोग इसमें टमाटर भी डालना पसंद करते हैं, सेब बूंदी आपको सब कुछ इसमें मिलेगा। एक ही जगह पे आपको बहुत सारे फ्लेवर मिलेंगे जिससे इसका जो स्वाद है वो बहुत बढ़िया आएगा, और जो इसका चटपटा सा स्वाद आता है वो इसका बहुत ही अच्छा लगता है। आप जैसे आप देख सकते हैं कि ये देखने में जितना खूबसूरत है ये खाने में भी बहुत खूबसूरत है, और इसे बनाना भी बहुत आसान है। इसे हम बहुत आराम से घर पे बना सकते हैं। इसे आप एक बार ट्राई जरूर करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये आपकी राज कचौरी कैसी बनी। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने एक बाउल में आधा कप मैंने रवा लिया है, इसे कहीं कहीं पे सूजी भी कहा जाता है, और आधा कप के ही बराबर हम इसमें मैदा डालेंगे, और एक चुटकी हमने इसमें बेकिंग सोडा डाला है, यानी मीठा सोडा डाला है इसके अंदर हमने। बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल मत करिएगा। और इसे हम बढ़िया सा इस तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे की जैसे इसको गूंथ लेंगे हम लोग। ये जो आटा जो हमें गूंथना है ये बिल्कुल नरम मुलायम आटा होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो हमने रवा डाला है यानी जो सूजी डाली है वो बहुत पानी पीता है, तो इसके लिए हम इसको थोड़ा नरम मुलायम आटा सानेंगे। और थोड़ी देर के बाद ये थोड़ा और सख्त हो जाएगा, ज़्यादा सख्त नहीं करना है हमें, सॉफ्ट करना है ताकि हमारा बाद में भी चाहे जितना भी पानी सोखेगा उसके बाद भी ये हमारा जो आटा है वो सॉफ्ट ही रहना चाहिए। तो ये चलिए अब हम इसे कवर करके 10 मिनट के लिए रख देते हैं। ये मैंने 50 ग्राम के लगभग मूंग की दाल ली है बिना छिलके वाली, इसे 3 से 4 घंटे मैंने भिगो के रख दिया था। अब चलिए इसे दो बार हम इसको धो लेते हैं, और इसे हम एक मिक्सी के जार में हम इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं। मैंने ये मूंग की दाल है इसे मिक्सी के जार में मैंने इसको ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम इसमें दो हरी मिर्चें डालेंगे, आधा छोटा चम्मच नमक, और इसको हमें बारीक पीस लेना है इस तरीके से। यदि आपकी मूंग की दाल यदि पतली हो जाए यानी कि गीला हो जाए तो कोई बात नहीं है, इसके अंदर आप रवा डाल सकते हैं। अब हम इसके अंदर एक प्याज जो है बारीक कटा हुआ डालेंगे, और एक चुटकी हमने इसमें सोडा डाला है, इसे हमें बढ़िया सा इसमें मिक्स कर लेना है, और 1 से 2 मिनट इसे बढ़िया सा चलाते हुए इसे मिक्स करना है ताकि ये हमारा जो पूरा का पूरा जो बैटर है वो लाइट हो जाए और बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, ताकि जो इसके जो हम भल्ले बनाएंगे वो सॉफ्ट बनेंगे। तो ये मैंने तेल ले लिया है तलने के लिए और इसे मैंने गर्म कर लिया है। अब हम इसे छोटे छोटे हमें इसके भल्ले बनाने हैं यानी पकोड़े बनाने हैं जो हमने दाल ली है उसके, तो इस तरीके के छोटे छोटे आप पकोड़े बना लीजिएगा, और इसे हमें उलट पुलट करके इसे हमें पका लेना है। और ये याद रखिएगा कि आपका जो फ्लेम है वो हाई नहीं होना चाहिए, लो टू मीडियम फ्लेम भी आप रखिएगा ताकि ये जो भल्ले हैं वो बढ़िया से पक जाए, और अंदर तक ये पक जाए। तो हमें इसे इसी तरीके से हमें इसे उलट पुलट के पका लेना है। तो आप देख सकते हैं ये जो भल्ले हैं वो देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं। तो ये हमारे भल्ले जो हैं वो तल के तैयार हो गए हैं, इसे हम अपने एक प्लेट में निकाल लेते हैं, और इसी तरीके से हमें अपने बचे हुए दाल के पकोड़े बना लेने हैं। तो ये हमारा सेकंड बैच भी हमारा कंप्लीट हो गया है, इसे भी हम निकाल लेते हैं प्लेट में। तो ये मैंने एक बर्तन में आधा लीटर के लगभग नॉर्मल पानी लिया है, यानी 2 ग्लास के लगभग पानी लिया है। इसमें आधा छोटा चम्मच हम हींग डाल देंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और जो ये हमने फ्राई किए हुए पकौड़े हैं वो इसमें डाल देते हैं, और 5 मिनट तक इसे हमें ऐसे ही छोड़ देना है। तो चलिए अब हम अपने डो को देख लेते हैं। तो ये डो हमारा अच्छा सा तैयार हो गया है, इसे 1 मिनट और हम लोग इस तरीके से मसल मसल के इसे नीट कर लेते हैं यानी गूंथ लेते हैं। अब हम इसके 4 पार्ट बना लेंगे इक्वल साइज़ के, इतने आपके डो में 4 आपकी कचौड़ियाँ बहुत आराम से बन जाएंगी। तो
अब हम एक बॉल लेते हैं और उसे स्मूथ कर लेंगे, और बाकी बचा हुआ जो बॉल है उसे आप ढक के रख लीजिएगा। इसे हमें सूखा आटा लगा लेते हैं, थोड़ा फ्लैट कर लेते हैं और बेलन से इस तरीके से हम इसे बेल लेंगे। हमें ज़्यादा बड़ा इसे नहीं बेलना है, जितनी बड़ी पूड़ियाँ रहती हैं सिर्फ उतना ही इसे बेलना है। तो ये देखिए हमारी पूड़ियाँ जितना बड़ा ये बेल गया है। अब हम तेल गरम कर लेते हैं और तेल को चेक कर लेते हैं। ये मैंने छोटी सी पूड़ी इसमें डाल के रख डाली है, तो देख रही है ऊपर आ गई, यानी हमारा जो तेल है वो तैयार हो गया है। हमारा जो तेल है वो बढ़िया सा गर्म हो जाए तभी हमें पूड़ियों को डालना है, हाई फ्लेम पे हमें पूड़ियों को डालना है। अब हम इसे पलट लेंगे क्योंकि ये फूल चुकी है। अब हम अपने गैस का फ्लेम लो कर देते हैं क्योंकि इसे हमें लो फ्लेम पे क्रिस्पी होने तक, गोल्डन ब्राउन होने तक इसे हमें पकाना है। यदि हम अभी इसको निकाल देंगे तो ये जो पूड़ियाँ हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगी। तो हमें हमारी जो कचौरी है वो हमें क्रिस्पी चाहिए, तो हमें इसे थोड़ी देर तक लो फ्लेम पे इसे हमें पकाना पड़ेगा। 5 से 6 मिनट इसे लग जाएंगे पकने में। तो चलिए हमारे ये क्रंच एकदम क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन हमारी जो कचौरी है वो तैयार हो गई, उसे निकाल लेते हैं। इसी तरीके से हम बाकी बची हुई कचौरियों को भी तल लेंगे। आप इसे किसी गर्म डब्बे में बंद करके मत रखिएगा, नहीं तो ये कचौरियाँ हैं वो नरम हो जाएंगी। इसे इसी खुले ही रहने दीजिएगा, खुले में ही ठंडा होने दीजिएगा, तो आपकी जो पूरियाँ हैं वो एकदम क्रंची बनी रहेंगी। तो ये देखिए इसी तरीके से हमें अपनी सारी की सारी पूरियों को तैयार कर लेना है और इसे ऐसे ही खुला रख के इसे हमें ठंडा होने देना है। तो ये देखिए हमारी जो पूरियाँ हैं बहुत बढ़िया सी फूल गई हैं। तो चलिए अब दाल को देख लेते, दाल के जो पकौड़े बनाए हैं उनको देख लेते हैं। तो ये दाल के पकौड़े हैं, इन्होंने पानी अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है। इसे हमें हल्के हाथ से इसे दबाना है, ज़्यादा ज़ोर से मत दबाइएगा नहीं तो बल्ले आपके टूट जाएंगे। तो हमारे जो भल्ले हैं वो एकदम ऐसे ही बने रहे, तो इसलिए हमें हल्का हल्का हाथ से इसे खाली निचोड़ना है। तो चलिए अब हम अपनी कचौरी को असेंबल कर लेते हैं। तो हमने ये कचौरी जो है ऊपर से फोड़ ली है, अब इसके अंदर हमने भल्ले को तोड़ तोड़ के डाला है। मैंने इसमें 2 भल्लों को तोड़ के डाला है। अब हम इसमें डालेंगे अंकुरित किए हुए चने और मूंग। ये जो चना और मूंग है मैंने एक दिन पहले भिगो दिया था और रात को इसका पानी निकाल के रख दिया, तो सुबह तक ये अंकुरित हो गए हैं। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डाल देते हैं, थोड़ा सा चाट मसाला इसके ऊपर डाल देते हैं जिससे इसका स्वाद और बढ़ जाएगा। अब हम इस पर मीठी चटनी डाल देते हैं, ये खजूर की चटनी है। अब हम इसके ऊपर हरी चटनी डाल देते हैं। यदि हरी चटनी का आपको वीडियो चाहिए, रेसिपी यदि चाहिए आपको, तो आप मैंने ये वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, तो उसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप देख लीजिएगा वहाँ से। अब हमने इसके ऊपर दही डाल दी है, दही को फेंट लीजिएगा, वो इस पर डाल दीजिएगा। अपने हमने फिर से इसके ऊपर बारीक कटे हुए प्याज डाल दिए हैं, थोड़े से इस पर हमने बूंदी डाल दी है। बूंदी आपके पास ना हो तो आप उसे स्किप कर सकते हैं, ये नमक वाली बूंदी है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया छिड़क देते हैं, तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। अब हम इसके ऊपर सेव लगा रख देते हैं और इसके ऊपर इस दही डाल देंगे। दही से इसका जो स्वाद है वो बहुत बढ़िया आएगा, इसलिए मैंने अंदर भी दही डाली थी और ऊपर से भी डाली है। अब हम इसके ऊपर हरी चटनी फिर से डाल देते हैं, फिर से मीठी चटनी डाल देते हैं। इससे जो है इसका स्वाद जो है हर एक बाइट में आपको बहुत बढ़िया स्वाद मिलेगा। और इसके और हम स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें डाल देते हैं अनार के दाने, थोड़ी सी बूंदी, थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़े से वो चुकंदर आते हैं जिसको बीट रूट कहते हैं, वो थोड़े से सेव, चाट मसाला। तो है ना ये देखने में बहुत ही सुंदर। रहती अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करिएगा, लाइक बटन दबाइएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।